सीएम कैंडिडेट कौन रहेगा फिर? मैंने कहा ना कि हमारी कुछ परंपराएं हैं, हम उन परंपराओं के अनुसार काम करेंगे। मतलब अभी ये डिसाइडेड नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंदर ही होगा? आप क्यों मेरे मुंह में शब्दों को डाल रहे? मैंने कहा हमारी जो परंपरा है हम उन्हीं परंपराओं के अनुसार आचरण करेंगे। आप देखिएगा, लेट द टाइम कम। हम बीजेपी की तरीके से एकाधिकारवादी पार्टी नहीं है कि नागपुर में कुछ तय होगा और भाया दिल्ली वो सबको सर्व हो जाएगा और सबको मानना है, वो नहीं है। कांग्रेस के अंदर चीज़ें उड़ती हैं, क्रॉप अप होती हैं, इसीलिए तो हमने संसदीय लोकतंत्र, बहुदली प्रणाली, ये सब कांग्रेस ही ने तो दी। और आप कांग्रेस में देखिए, राइट फ्रॉम नेहरू जी के टाइम से लेकर के हमेशा विचार उड़ते रहे हैं, बातें आती रही हैं, पर्सनैलिटीज़ भी उभरी हैं, उनमें क्लैश भी रहा है, उससे इंडियन डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। आज थोड़ा सा समय बदला हुआ है, हमारी चुनौती बढ़ी है, तो हमारे नेताओं को अब उतना डेमोक्रेटिक नहीं रहना चाहिए जितने डेमोक्रेटिक हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको ये ख्याल करना चाहिए चुनौती क्या है, उसके हिसाब से अपने ख्यालात को व्यक्त करना चाहिए, और थोड़ा कंट्रोल करके कहेंगे तो सबकी मदद हो जाए। पर ये देखिए ना राव साहब, की कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी नज़र आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगभग एक साल से उन्होंने अपना जो चैनल शुरू किया यूट्यूब पे, वो लगातार पार्टी की क्रिटिसाइज करते रहे। आप लोग आपने देखा होगा और उसके बाद आपने प्रेसिडेंट बना दिया। सिद्धू जी के बातों को एक बात समझनी चाहिए, वो उनकी राजनीति एंटी इनकम्बेंसी रही है, अकाली पर उन्होंने आक्रमण किया और इसीलिए बीजेपी छोड़ी, क्योंकि बीजेपी अकाली से मिली हुई थी, उनको लगा कि अकाली जो है पंजाब के इंटरेस्ट में नहीं है, तो ही टुक ए स्टैंड। अच्छा, हमने भी कुछ बातें चुनाव के वक्त में कही जी। अब वो उन बातों को प्रेस कर रहे हैं और हमने उनको बनाते वक्त यही विचार किया कि जो अकाली की एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा दूसरा न ले कोई, हमारे पास आए। तो सिद्धू हमारे लिए एक एसेट हैं, नॉट ओनली एज ए प्रेजिडेंट बट एज ए वोकल फिगर। तो मैंने कहा ना, कभी कभी दूध देने वाली गाय की जो लाद भी होती है वो लथड़ी बड़ी अच्छी लगती है। वो तो यदि कहीं कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो चुभने वाली भी हैं, जो सामान्य तौर पर प्रोटोकॉल के अंदर नहीं भी आती हैं, तब भी हम उनको इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। या तो ये पोजीशन होगी कि वॉर पे जाना है, लड़ाई पे जाना है और अपने जर्नैल के खिलाफ सब लोग बोल रहे हैं, ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि लोग आपको किस तरीके से, लोगों से आप किस तरह की उम्मीद? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए आपसे मंत्री मिले, कुछ एमएलए मिले, वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। कुछ बातें हैं जिनको जनरल को भी समझना पड़ता है, कि इसीलिए आपने देखा होगा कि आर्मी में भी जहाँ बिल्कुल 100% डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है। एक बड़ा खाने के बाद जनरल बैठता है तो लोग सवाल उठाते हैं और उस सवाल का उत्तर देते हैं। तो कभी कभी इन बातों को इसी रूप में देखना पड़ता है, और डेमोक्रेसी के अंदर जो लीड कर रहा है या जिसे लीड करना है एक्सपेक्टेड है, उसको बड़ा दिल रखना पड़ता है। और मुख्यमंत्री की पोजीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है, क्योंकि वो पब्लिक की एस्पिरेशन एक तरफ होती है, उनको रिप्रेजेंट करने वाले प्रतिनिधियों की एक तरफ होती है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन रखने वालों की बातें एक तरफ होती हैं, तो सारी चीज़ों के बीच में मुख्यमंत्री को समन्वय करना पड़ता है। मैं खुद चीफ मिनिस्टर था, मैं जानता हूँ कितने डिफिकल्ट स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो हमारे पास वेटरन अनुभवी चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस सब बातों को ही इज़ कैपेबल ऑफ टू सेल थ्रू। तो आपने एक बयान दिया कि मुख्यमंत्री के अंडर जो उनकी कप्तानी के अंडर जो है इलेक्शंस लड़ेगी पार्टी। देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा है, मैंने जो कुछ कहा है, मीडिया ने यहाँ क्या छाप दिया, क्या कह दिया, कभी कभी आप लोग कट पेस्ट कर देते हैं, तो एक शब्द को अदल बदल देते हैं। मैंने कहा हमारे कांग्रेस के अंदर कुछ परंपराएं हैं, उस परंपरा के अनुसार ही जो है निर्णय होगा। मुख्यमंत्री अपने हैं,
यदि कोई मुख्यमंत्री की बात पूछी, कोई पीसीसी प्रेसिडेंट की बात पूछता, वो कहता है यस पीसीसी प्रेसिडेंट, हाउ कैन आई से कि फला व्यक्ति हमारा अगुआ नहीं होगा या चेहरा नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ हम चीफ मिनिस्टर के साथ चुनाव में जाएंगे, हम पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ चुनाव में जाएंगे, हम अपने सीनियर लीडर साहिबान के साथ चुनाव में जाएंगे, तो आपने जो मांगा हमने उसके अनुसार कुछ कह दिया, तो उसको घुमा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल लिमिटेड पर्पज़ में देखने की ज़रूरत है। और कांग्रेस हमेशा अपनी पुरानी परंपराओं, जो टाइम टेस्टेड हमारे सॉल्यूशंस हैं, हम उनके अनुसार काम करते हैं, और यहाँ पंजाब में भी चुनाव में भी उसी के अनुसार काम करेंगे, और चुनाव के बाद भी उसी के अनुसार काम करेंगे। कांग्रेस में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर नेता जो हैं एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है पंजाब जी? तुसी ये पंजाब की खासियत है, तो हम भी कुछ सीख रहे हैं इनसे, जो है कुछ ये हमको सिखा रहे हैं, तो हम भी उसको उसी रूप में ले रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं, जो दिल में रखते हैं वही मुंह में आ जाती है। और हमको बहुत एक बात देखनी चाहिए कि हम अपनी बात मीडिया के माध्यम से ना कहें, पार्टी के अंदर की बात दूसरा तरीका निकालें, हमारे पास तरीका है, हरीश रावत भी एक तरीका है, उसके बाद दिल्ली में संगठन के महामंत्री हैं वो एक तरीका है, फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, हमारे वर्किंग कमेटी के सीनियर मेंबर्स हैं, उनसे किसी से मिल लें, यदि कोई दिक्कत कहीं है, यदि मुझसे त्रुटि हो जा रही है, हो सकती है मुझसे त्रुटि, तो उनसे मिल लें, बात निकाल लें।